सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। जो झंडा होगा काले रंग के झंडे लगाएंगे हम, तो वही ब्लैक डे है, जो फ्लैग हैं वे लग जाएंगे और कोई भीड़ पब्लिक मीटिंग नहीं है। और ये पूरे देश भर में अपने लोग घर पर लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर पर लगा सकते हैं, अपनी गाड़ी आए इस पर झंडा बांध लो, जाना है तो ये रहेगा। ये भी कहा जा रहा है कि काफी संख्या में जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। नहीं, तो ऐसी तो कोई नहीं, क्या? नहीं नहीं, कोई दिल्ली की तरफ नहीं आ रहा। तो क्या जो जहाँ पर किसान है, जो जहाँ पे है, अपने गांव में है, अपने खेत में है, अपने शहर में है, किसी को अपने घर पर लगाना तो लगा सकता है। कोई अलग से कोई संख्या किसानों की नहीं, है, किस तरीके से? कोई संख्या नहीं। इस बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये जैसे महामारी का समय है, निश्चित तौर पर सरकार भी पूरी तरीके से परिस्थितियों को देख रही है और अभी सबकी जान बचाना जो है वो पूरे देश की प्राथमिकता है। ऐसे में आप लोग काला दिवस भी मना रहे हैं, तो ये कितना उचित है, क्या कहना? नहीं तो काला झंडा लगाना क्या कोई गुनाह है? हमको नाराजगी है किसी से, तो अपना झंडा लगाएंगे अपने घर के ऊपर, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे। तो ये जो 26 मई को आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का लगभग 6 महीना पूरा हो गया इसके कर रहे हैं, या फिर ये आप लोगों का विरोध प्रदर्शन माना? ये विरोध प्रदर्शन है और 6 महीने हम यहाँ पे हो गए, तो सरकार ने काले कानून वापसी नहीं दिए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे, तो हमारा विरोध है ये किसम से सरकार का।